क्या है इसका नाम? मेगर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा डिजिटल। जिसमें आपको क्रम संख्या दिखाई दे रही है, जीरो से लेकर अनंत तक दिखाई दे रही है, एक घड़ी के रूप में। और इसमें एक आपको सुई दिख रही है, ये जो सुई है ब्रॉन्ज फास्फोरस की बनी होती है। अब ये आपका मीटर कौन सा है, एनालॉग या डिजिटल? एनालॉग। जिसमें सुई लगी होती है वो कौन सा मीटर होता है? एनालॉग। और एक जो पेट्रोल पंप पे देखा आपने, या जो घड़ी होती है जिसमें सेकंड चलती रहती है टिक टिक, वो घड़ी कौन सी होती है? डिजिटल। ऐसा ही अपना डिजिटल मीटर और आता है। अब एक आता है हैंडल वाला मेकर। अब जो हैंडल वाला मेकर होता है, उसके द्वारा आप किसी केबल का रजिस्टेंस नापते हो, किसी केबल का रजिस्टेंस नापते हो, तो वो रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है? उसको हैंडल को आप घुमाते हो, तो हैंडल के द्वारा इसमें क्या बनता है, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, एक छोटा जनरेटर होता है, वो जनरेटर क्या करता है, उसमें वोल्टेज उत्पन्न करता है। और वोल्टेज उत्पन्न होने के बाद में आपका मेगर किसी केबल का रेजिस्टेंस क्या करता है, नापता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये तो होती है दो लीड्स, इसे कहा जाता है प्रोब्स। ये रेड कलर का होता है, इसे बोलते हैं पुश बटन। अगर आप किसी केबल का रेजिस्टेंस ज्ञात कर रहे हो, जब आप इस पुश बटन को दबा रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा, उसका मान दिखाई देगा। ये सामान्यतः जो ऑफ स्थिति में होता है, ये बंद है, आप इसको काम में नहीं लेते हो, ऐसी स्थिति में इसकी जो छुई होती है वो कहाँ पे होती है, अनंत। अब इन प्रोब्स को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, मतलब जो रेड कलर की जो प्रोब है इसको किस में लगाएंगे, रेड वाले में आपने लगा दिया, और ब्लैक वाली को किस में लगाते हैं, ब्लैक। इसे क्या कहा जाता है, प्रोब्स। अभी इनको आप कभी भी दोनों को आपस में टच करके एक हाथ में लेकर इसको दबाने से आपको क्या लग सकता है, विद्युत का झटका लग सकता है। ठीक है, आपके पास ये क्या है कि अंडरग्राउंड केबल ले, भूमिगत जो वोल्ट लाइन होती है उन लाइनों में क्या करते हैं, केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी लाइन के माध्यम से वोल्टेज को या धारा को पहुंचाया जाता है, कि सप्लाई को पहुंचाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, उसके लिए आप दो प्रकार की लाइनों का प्रयोग करते हैं, एक होती है ऑर्डिनरी लाइन होती है जो जमीन में दबाई जाती है, उनको कहते हैं अंडरग्राउंड लाइन, भूमिगत केबल कहा जाता है। अब आपके पास ये केबल है, अभी इस केबल में कितने वायर दिखाई दे रहे हैं, चार। अभी इनका रंग देखो आप, आर वाई बी, ठीक है, मतलब ये तीन कलर की आपके पास, एक रेड कलर होता है जो लाल कलर का, एक होता है येलो पीला कलर का, और एक होता है नीले कलर का, और चौथा वायर आपका एक ब्लैक मतलब काले रंग का। अब जो फेज वायर होते हैं उनका रंग होता है आर वाई बी, लाल नीला और पीला, और जो ब्लैक होता है इसका कार्य होता है न्यूट्रल के लिए। किसी केबल में आपने ब्लैक या काले रंग का तार देखा है, वो किसका है, न्यूट्रल के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले अर्थिंग, इसमें कोई एक अर्थिंग का वायर होता आपके पास, मान लेते कोई तीन फेज वाली सप्लाई है, जैसे प्रेस के जो केबल है उसमें आपको हरे रंग की तार मिलता, तो कौन सी किसका होता है, हरे रंग का अर्थिंग का। इसके अलावा जो इन्वर्टर होता है उसके जो वायर प्रयोग करते हैं वो कौन से कलर का होता है, सफेद कलर का। ठीक है, बता सकते हो फेज के कौन कौन से रंग होते हैं, आर वाई बी, ये तो कौन सी हो गए, फेज वाले। अभी इस तार की जो चालक होता है ना, जिसमें करंट प्रवाहित होता है, ये होता है कंडक्टर। ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का या तांबे का बना होता है। इसकी मोटाई निर्भर किस पे करती है, कि ये केबल कितनी विद्युत धारा को सहन करेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाते हैं, इसके ऊपर इंसुलेशन है कि नहीं है, इसका इंसुलेशन की जो मोटाई है ना, वो निर्भर करती है कि ये केबल कितने वोल्टेज को सहन कर पाती है। ठीक है, अब बता सकते हो इस केबल की जो चालक तार, उसकी मोटाई तो निर्भर करती है विद्युत धारा के मान पर, और इसका जो अचालक होता है इंसुलेशन, वो निर्भर करता है किसी केबल के द्वारा अधिकतम वोल्टेज को क्या करते हैं, सहन करने की क्षमता। ठीक है, एक होता है डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, किसी केबल की जो अधिकतम क्या करते हैं, वोल्टेज सेंड करने की सीमा होती है, उसे कहते हैं डाइइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। अब देखते हैं, ये अंडरग्राउंड क्या है, केबल। अब इस केबल में आप देखो, ये किस कौन से रंग का है तार, पीले रंग का। अब ये पीले रंग का तार आप इसमें देखते हैं, काले रंग में लगा दिया। अगर ये कहीं से टेस्टिंग कौन सी कर रहे हैं सर, ये सर
पहली टेस्टिंग कौन सी है, शॉर्ट सर्किट करेंगे, ओपन सर्किट या फिर लीकेज? अब तो सर शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट की क्या आपकी, अगर दो तार आपस में शॉर्ट सर्किट है, अगर पीले वाला वायर गलती से किसके टच हो गया, ब्लैक तार के, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, जीरो। ठीक है, जैसे आपने इसको दबाया, जो इसको दबाने के बाद में इसका मान कितना है, अनंत। तो ये आप कह सकते हो जो तार है ना, ये आपस में क्या नहीं है, टच नहीं है। ठीक है, अब आप इसको टच कराओ, इधर से पीले रंग का जो तार है उसको किससे टच करा रहे हैं, इसकी पॉसिबल आपने टच करा दिया। अब टच कराने के बाद में जो पीले रंग का वायर है उसका करंट किसके पास जा रहा है, न्यूट्रल वाला जो वायर है ना, इसमें करंट क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। अब आप इसकी जो दबाते हो, दबाने के बाद में इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, प्रॉपर वे में दबाओ उसको, हाँ ठीक है ठीक है, इसका मान कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब क्या है, ये आपका फेज तार का जो कहीं से क्या है, न्यूट्रल तार के साथ है, टच है। अब इसको हटाओ आप, आपने हटाने के बाद में अब इसको दबा रहे, तो ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, अनंत है। ठीक है, फेज तार है पीले रंग का, उसका करंट कहां से लकीज हो रहा है, इस चालक तार से, इसका जो बोर्ड आपने यहां टच किया, तो इसमें क्या दिखा रहा है, जब लकीज होता है तो आप इसको दबाते हो तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिखाता है, जीरो। ठीक है,